तो चलिए गाइस हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं कीर्ति मेहरा के बारे में। तो कीर्ति मेहरा ने गाइस अपने रिसेंट के स्टोरी में अपने पर्सनल लाइफ से रिलेटेड बहुत सारी चीजों को शेयर किया है। तो सबसे पहले तो गाइस यहाँ पर कोई बंदा कीर्ति मेहरा से पूछते है कि मेरे साथ मेक्सिको चलोगी, जिस पर कीर्ति मेहरा रिप्लाई करते हुए बोलती है कि मेक्सिको के स्विट्जरलैंड चलते हैं। अब उसके अगले स्टोरी में गाइस कोई और बंदा बोलता है कि तो चलो लेट्स गो स्विट्जरलैंड, जिस पर गाइस कीर्ति मेहरा रिप्लाई करती है कि चलो, और ऊपर फ्लाइट वाला इमोजी भी शेयर करती है। बाकी आप लोगों का इसके ऊपर क्या कुछ रिएक्शन है नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। तो चलिए गाइस सब कीर्ति मेरा की बात हो ही गई, तो अब बात कर लेते हैं एल्विस यादव के बारे में। तो एल्विस यादव ने गाइस आज अपने ब्लॉग वाले चैनल पर कोई भी ब्लॉग वीडियो अपलोड नहीं किया। अब इसका गाइस मेन कारण यही है कि अभी के टाइम में शायद से एल्विस यादव किसी इंटरनेशनल ट्रिप पर जा रखे हैं। बाकी गाइस इन्होंने अपने कल वाले ब्लॉग वीडियो के एंडिंग पार्ट में भी यही बोला था। तो चलिए मैं आपको वाला क्लिप दिखा देता हूं, तो आप लोग मुझे गेस करके बताना कि आखिर वो कौन सा इंटरनेशनल ट्रिप हो सकता है। पैक हो गए ये बैकपैक एक बार चला गया। बाय बाय यार, दोबारा मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी मोटे, किसी करते सबके मेरे मतलब पसीने पसीने हो रही है। मम्मी इतनी पैकिंग करवा दी, मम्मी ने जिंदगी में इतनी मेहनत कभी नहीं करती जितनी मेरी पैकिंग पे करती है। चलो भाई हम निकलते हैं। ओके जी बाय। भाई रास्ता बहुत जाना पहचाना लग रहा है, ये रास्ता अभी दिखाऊंगा मैं आप लोगों को कहाँ का है, बट मैं डेस्टिनेशन नहीं बताऊंगा। डेस्टिनेशन थोड़ी दूर है बट किसी काम से जा रहे हैं। और ये देखो डेस्टिनेशन, देखो मतलब डेस्टिनेशन नहीं जगह, देखो कहीं जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं पर अच्छे काम के लिए जा रहे हैं। एक अपनी इंडस्ट्री को एक लेवल अप लेने जा रहे हैं, तो समझ जाओ हम कहीं तो अच्छी जगह जा रहे होंगे। सो अभी मेरी फ्लाइट है, भाई जा रहा मुझे छोड़ने, अपने सारी चीज़ रेडी है, बैग वैग अपना पीछे, बोरिया बिस्तर दोनों है ना इसमें, हाँ सारी चीज़ डन, और अपने निकलते हैं नई शुरुआत के लिए। बाय गाइस।